हाय, आई एम संदीप, सैमेंजर्स एकेडमी मुंबई। आज मैं आपको दिखाना लाऊं फायर हेयरकट। मेरे मॉडल कुछ ही देर में आने वाले हैं, जिनका नाम है राज। फायर हेयरकट के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट यूज होने वाले हैं मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हमें वाटर स्प्रे बॉटल चाहिए प्रिकॉशन के लिए, कभी फायर ज्यादा हो जाए तो फायर कंट्रोलिंग करने के लिए लगता है वाटर स्प्रे बॉटल। सेकेंड प्रोडक्ट है सैनिटाइजर, ये आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। सैनिटाइजर सेकेंड प्रोडक्ट है। सैनिटाइजर हम कोल्ड फायर के लिए यूज करेंगे, इससे हीट नहीं लगेगा क्लाइंट को, सिर्फ फायर में दिखेगा ऊपर। थर्ड प्रोडक्ट है हमारा आफ्टर शेव। आफ्टर शेव हम लोगों ने छोटा बॉटल मेंटेन किया है ताकि स्प्रे फॉर्म उसका नॉर्मल रहे। स्प्रे फॉर्म ज्यादा होगा तो फायर ज्यादा बनेगा, हमको कम फायर चाहिए, इसलिए हम थोड़ा छोटा स्प्रे बॉटल ले रहे हैं। फोर्थ प्रोडक्ट ये है लाइटर फायर के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट। फिफ्थ नंबर का प्रोडक्ट है कॉम्ब। कॉम्ब हमें नॉर्मल साइज के लेना है, हेयर की डेंसिटी के अकॉर्डिंग लेना है। और सिक्स प्रोडक्ट है ग्लव्स। ये है मेरा मॉडल राज, आज मैं इनके ऊपर आपको दिखाने वाला हूँ फायर हेयरकट। फायर हेयरकट करने से पहले क्लाइंट को प्रिपेयर करेंगे फायर हेयरकट के लिए। फायर हेयरकट जब स्टार्ट करेंगे तो फायर से क्लाइंट डर सकता है, इसलिए पहले क्लाइंट को प्रिपेयर करेंगे, फिर उसका स्पेक्स निकलवाएंगे ताकि फायर हेयरकट करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। फायर हेयरकट का कोई भी प्रोडक्ट स्किन पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्किन पे आएगा तो स्किन जलने का चांसेस रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ प्रिकॉशंस कैसे रखेंगे हम उसमें। हमने लिया है बाउल और ब्रश, अब इसमें हम लोग सैनिटाइजर डाल रहे हैं। इसमें हम लोगों ने सैनिटाइजर डाल लिया है। सैनिटाइजर का हमको ज्यादा टाइम तक ओपन नहीं रखना है, नहीं तो इससे फिर फायर हेयरकट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके गैस निकल चुका होगा, इसलिए कम टाइम में हमको इससे फायर हेयरकट करना है। 100% ड्राई हेयर के ऊपर हम लोग सैनिटाइजर अप्लाई करेंगे। हेयर के अंदर ऑयल नहीं होना चाहिए, कंडीशनर नहीं होना चाहिए, ओनली शैम्पू करा हुआ हेयर होना चाहिए। इसके ऊपर हम लोग अभी सैनिटाइजर लगा रहे हैं। ऑयल इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि ऑयल से फायर बढ़ जाता है, इसलिए ऑयल यूज नहीं करेंगे। स्किन जलने का चांसेस बढ़ जाता है हेयर का, और कंडीशनर हम बाद में करेंगे फायर कट करने के बाद में। कंडीशनर इसलिए हम यूज नहीं करेंगे, कंडीशनर के अंदर होता है मॉइस्चर, मॉइस्चर की वजह से फायर प्रॉपर स्टार्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम कंडीशनर यूज नहीं करेंगे। सैनिटाइजर अप्लाई कर रहे हैं हम, सेक्शन बाय सेक्शन अप्लाई करेंगे। क्राउन एरिया में फेस सीधा रखिए आप, फेस सीधा स्ट्रेट। सैनिटाइजर हम फ्रंट सेक्शन में अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि फोरहेड का स्किन बहुत फास्ट में होता है, इसलिए हम लोग फ्रंट सेक्शन छोड़ के सैनिटाइजर अप्लाई करेंगे। क्लाइंट का फेस सीधा रखवाएंगे। लाइटर से हम लोग सैनिटाइजर को जलाएंगे। धीरे धीरे सैनिटाइजर आग पकड़ेगा, इसको आराम से करेंगे, कॉम जल्दी करने की जरूरत नहीं। इसमें सैनिटाइजर अप्लाई करेंगे वापस से, प्रॉपर सैनिटाइजर अप्लाई करेंगे। फ्रंट सेक्शन पे नहीं अप्लाई करना है, नॉर्मल कोई सा भी सैनिटाइजर ले सकते हैं। हाँ, और सैनिटाइजर स्कल्प पे नहीं लगना चाहिए, स्कल्प में सैनिटाइजर नहीं लगाना है, क्योंकि सैनिटाइजर जहाँ जहाँ अप्लाई होगा वहाँ वहाँ पर फायर हेयर पकड़ेगा। सैनिटाइजर अप्लाई करने के बाद में हमें माचिस यूज नहीं करना है, सिर्फ लाइटर यूज करना है, माचिस से आग लगने का चांसेस रहता है। आराम से कॉम करेंगे। फायर का थोड़ा सा ग्लो बढ़ाने के लिए हम आफ्टर शेव लिया था हम लोगों ने जो बॉटल में, वो यूज करेंगे। सिंगल कॉम से भी आप कर सकते हैं फायर कट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
अब हम लोग फ्रंट सेक्शन पे अप्लाई करेंगे। फ्रंट सेक्शन पे अप्लाई करने का टेक्निक, पूरे हेयर को बैक कॉम करिए। बैक कॉम करने के हेयर के ओनली टिप्स पे आप अप्लाई करेंगे, ओनली फ्रंट सेक्शन के टिप्स पे अप्लाई करेंगे। रूट्स तक नहीं जाना चाहिए लोशन। फायर कट नॉर्मल हेयर में भी कर सकते हैं, कलर हेयर में भी कर सकते हैं। सेक्शन अच्छे से अप्लाई करना है आपको सैनिटाइजर, और फायर कट करने से पहले, क्लाइंट के ऊपर करने से पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए डमी के ऊपर। हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छे से अप्लाई हो चुका है, हम आप इसे फायर चालू कर रहे हैं। इजीली कॉम करना है आपको। जब फायर कम हो जाए, फायर का ब्लू बनाने के लिए आप स्प्रे करेंगे। सैनिटाइजर लगाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि स्किन पे नहीं लगना चाहिए, अंदर स्कल्प में नहीं जाना चाहिए। स्कल्प पे अगर सैनिटाइजर हमारा जाएगा तो फायर अंदर तक जाएगा, तो क्लाइंट्स का स्कल्प जल सकता है, इसलिए हमें टॉप टॉप पे लगाना है। फ्रंट सेक्शन के सिर्फ ओनली टिप्स पे लगाना है हमारे को, बैक करके क्लाइंट्स को थोड़ा सा फेस बैक करेंगे। टेलकम पाउडर यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने बहुत सारे वीडियो देखेंगे उसमें टेलकम यूज करते हुए देखा होगा, टेलकम पाउडर उसका रिक्वायरमेंट नहीं रहता फायर कट में, ये एक अफवाह है सिर्फ। हम लोगों ने ऑफिस से सैनिटाइजर अप्लाई कर लिया है अच्छे से, स्कल में नहीं जाना चाहिए। कॉमिंग हमें फास्ट नहीं करना है, कॉमिंग फास्ट करने से जो हम लोगों ने सैनिटाइजर अप्लाई किया है वो क्लाइंट्स के शीट पे भी गिर सकता है, क्लाइंट के फेस पे भी आ सकता है, इसलिए हमें कॉमिंग बहुत स्लोली करना है, ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो, एकदम मीडियम स्पीड में करना है, और घबराना नहीं है बिल्कुल इसमें। हमारे पास स्प्रे बॉटल है, आप इसको ऐसे छोड़ भी सकते हैं कंट्रोलिंग के लिए। इसमें हम आफ्टर शेव यूज करेंगे, लोशन प्रॉपर लगना है सेक्शन बाय सेक्शन। एक जगह अगर ज्यादा लग जाएगा तो फिर वहां का बाल ज्यादा जल सकता है आपका, ठीक है। फायर कट करने का फायदा यह है कि इससे आपका हेयर स्ट्रेट होता है, डेंसिटी आपका कम होता है। डेंसिटी कम करने के लिए आप टेक्सरेंस सीजर यूज कर सकते हो, उस टाइप से फायर कट सबसे बेस्ट है, इससे नेचुरल हेयर स्ट्रेट हो जाता है, उसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। फायर कट के लिए आपको जैसे कभी ज़्यादा लग रहा है क्लाइंट का तो सब बुझा भी सकते हैं आप इजीली, और जो ये हेयर जल चुके हैं दिख रहे हैं आपको, ये जो फायर कट में हेयर जल रहे हैं, अब जैसे हम लोग देख रहे हैं कि सैनिटाइजर अगर सभी जगह अवेलेबल नहीं है तो हम लोग क्या आफ्टर शेव से भी फायर कट कर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल, फायर कट हम लोग आफ्टर शेव से भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, कॉमिंग करना है, पहले बैक कॉमिंग करना है। बैक कॉमिंग करने के बाद आपको स्प्रे करना है, लाइटली स्प्रे करना है, फेस पे नहीं जाना चाहिए, ईयर पे नहीं जाना चाहिए, स्कल्प में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हल्का हल्का तो आप स्प्रे करेंगे ऊपर टॉप पे, थोड़ा बैक करेंगे, फेस को बैक करिए। आफ्टर शेव स्प्रे करने के बाद में लाइटर यूज करना, माचिस यूज नहीं करना हमको, कैंडल भी यूज नहीं करना हमारे को, लाइटर सबसे बेस्ट है। माचिस यूज करेंगे, माचिस जला के हम लोग जल्दबाजी में फेंकेंगे तो आग लग सकती है कटिंग शीट पे, इसलिए ये देखिए मैंने आफ्टर शेव अप्लाई किया, और आफ्टर शेव से मैं पूरा फायर एडिट करूंगा कंप्लीट बचा हुआ। आफ्टर शेव थोड़ा सा जल्दी भूज जाता है, इसलिए आपको थोड़ा फास्ट फास्ट अप्लाई करना पड़ेगा ऑफिस से।
ये देखिए आप सिंगल कॉम्ब और फिंगरिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर इजिली। फिंगरिंग आपको लंबा लेना थोड़ा सा, और फिर इसको आप ज्यादा हो जाए तो स्प्रे भी कर सकते हैं वाटर स्प्रे इजिली। हमारा फायर कट कंप्लीट हो चुका है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही फायर कट करेंगे। ज्यादा फायर कट करने से फिर हेयर पूरी तरह से जल जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, बचेंगे नहीं। बेसिकली हमारा टेक्सचराइजिंग भी हो चुका है और थिनिंग भी हो चुकी है। हमारा फायर कट कंप्लीट हो चुका है, अब इनके ऊपर हम लोग शैम्पू करेंगे, कंडीशनिंग करेंगे। शैम्पू कंडीशनर करके फिर आपसे बात करते हैं। हमारा शैम्पू कंडीशनर हो चुका है, अब हम लोग थोड़ा सा एंड्स जो मैंने आपको बताया था, जो एंड्स जल चुका है उसको हम हल्का हल्का ट्रिम करेंगे। ट्रिम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे ये जल चुके हैं। फायर कट करने से फायदा ये है कि एक तो डेंसिटी कम होता है और नेचुरल स्टेट होता है। अब लाइट हम लोग उससे ट्रिम करेंगे ताकि जो एजेस जल चुके हैं वो निकल जाए, ताकि प्रॉपर लुक अच्छा दिखे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, लाइट ट्रिम करेंगे एजेस के ऊपर। सेक्शन बाय सेक्शन हम ट्रिम करेंगे। ट्रिमिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि एजेस के ऊपर जो बर्न हुआ है वो प्रॉपर तरीके से निकल जाए, ताकि प्रॉपर फिनिशिंग मिले। और जैसा कि मैंने आपको फायर कट से बताया है कि फायर कट से डेंसिटी कम होता है, सेकेंड हेयर नेचुरल स्टेट होता है। फायर कट ज्यादा कर्ली हेयर पे नहीं करना है जिसमें हमारा कॉम्ब अटकता है, कॉम्ब जिसपे इजीली कॉमिंग हो जाए ऐसे हेयर पे हम लोग को फायर कट करना है। और ये जो फायर कट जो टेक्निक यूज किया है ये ओनली फॉर बॉयज के लिए है, इसे गर्ल पे यूज नहीं करना है। देख रहे हैं आप, हम हल्के हल्के एंड्स ट्रिम कर रहे हैं, पूरा कट नहीं कर रहे हैं। बस ये एंड ट्रिम करने से हमारा लुक प्रॉपर फाइनल हो जाएगा। फिर हमको उसमें लाइट सीरम अप्लाई करना है। हमारा हेयर कट फाइनल हो चुका है, लाइट ट्रिम भी हो चुका है, इसके बाद हम लास्ट में सीरम अप्लाई करेंगे स्मूथनिंग शाइनिंग के लिए। सीरम हम कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। लाइट सीरम अप्लाई करना है। आप देख रहे हैं इसमें डेंसिटी कम हो चुका है, हमें थिनिंग का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है फायर कट करने के बाद। राज, आपको फायर कट करा के कैसा लगा अब बताइए हमारे ऑडियंस को। जब मैंने हेयर कट कराया था उससे पहले मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे, कैसा होगा क्या पता, और मेरे मन में भी डर था कि बाल जल ना जाए, ये नहीं हो जाए। इसके लिए आप हेयर कट जब कराया तो बहुत अच्छा लगा, इसके लिए आप सब लोग कराइए, ऑल द बेस्ट। फायर कट जब हम करा रहे थे आपको हीट लग रहा था या कुछ सेंसेशन हो रहा था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था मेरे को, और नहीं हीट लग रहा था ऐसा बस। बाकी दूसरे लोग क्या होते डर जाते थोड़ा सा, पर डरिए मत, प्लीज आप कराइए, नो टेंशन। अच्छा, मुझे आपसे एक बात और पूछना है कि फायर कट कराते समय आपको थोड़ा सा स्मेल का प्रॉब्लम लग रहा था, स्मेल आ रहा था आपको? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा था मेरे को तो। देखिए दोस्तों, कभी आपको स्मेल का जैसे प्रॉब्लम लगे फायर कट करते समय तो थोड़ा सा रूम स्प्रे हमारे साथ में रखिए, रूम फ्रेशनर यूज करिए ताकि प्रॉब्लम ना आए आपको। ठीक है राज, ओके, आप भी आइए, आपके फ्रेंड्स को भी लाइए। आई होप आपको ये फायर कट बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी हम लोग लेके आएंगे।